नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपको हिंदी के 40 महत्वपूर्ण कठिन शब्द, उनका अर्थ और वाक्य आपको आज कराएंगे। अगर आप हिंदी का ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। विस्मयकारी। विस्मयकारी का अर्थ होता है आश्चर्यजनक। उसकी विस्मयकारी प्रतिभा सभी को हैरान करती है, यानी सब उसकी प्रतिभा को देखकर, उसके टैलेंट को देखकर आश्चर्यजनक रह जाते हैं। विस्मयकारी यानी आश्चर्यजनक, हैरान रह जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं विस्मयकारी, आश्चर्यजनक। भौचक्के के भी रह जाते हैं, ऐसे किसी को देखते हैं जो उसका टैलेंट, तो विस्मयकारी हो जाते हैं, आश्चर्यचकित, भौचक्के रह जाते हैं। और इंग्लिश में एस्टॉनिश। अपेक्षाकृत। अपेक्षाकृत का अर्थ होता है किसी की तुलना में। जैसे यह तरीका अपेक्षाकृत सरल है, भाई उसके तरीके, जैसे उस तरीके से ना करके हम इस काम को इस तरीके से करें, तो उस काम को करने का जो तरीका है उससे ये काम इस तरीके से किया जाएगा तो ये सरल रहेगा, आसान रहेगा, तो अपेक्षाकृत रहेगा किसी की तुलना में, जब हम किसी से कंपेयर करते हैं काम में, जैसे मैंने आपको भी समझाया। अनुकूलन। अनुकूलन का अर्थ होता है अपने अनुकूल करना, हमें जलवायु के अनुकूलन की आवश्यकता है ना, तो हम अपने पर्यावरण को हम सही रख सकते हैं। फिर अनुप्रयुक्त। अनुप्रयुक्त का अर्थ होता है प्रयोग में लाया गया। अनुप्रयुक्त गणित उद्योग में महत्वपूर्ण है, जैसे अनुप्रयुक्त को वैसे ही समझ सकते हैं, गणित यानी मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स जो है वो बिजनेस में काफी महत्वपूर्ण होता है, उसे प्रयोग में लाना चाहिए। अवकाश। अवकाश का अर्थ होता है छुट्टी यानी लीव। इंग्लिश में उन्होंने अवकाश का आवेदन दिया, आवेदन मतलब एप्लीकेशन की इंग्लिश में बोलते हैं, कि उन्होंने अवकाश के लिए यानी छुट्टी के लिए आवेदन किया, कहा। और उसके नेक्स्ट अगला है आकस्मिक। आकस्मिक का अर्थ होता है अचानक होने वाला, जैसे ये घटना आकस्मिक थी, ये घटना अचानक हो गई। आधिकारिक। आधिकारिक का अर्थ है अधिकार से संबंधित। उन्होंने आधिकारिक बयान जारी किया, यानी उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट थी जो वो इशू की। से आकलन। आकलन मूल्यांकन यानी एसेस करना, और इसे गिनना भी बोलते हैं। परीक्षा का आकलन कठिन है, उसका एसेसमेंट करना कठिनता यानी डिफिकल्ट। उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ होता है वह अवयव जो शब्द से पहले लगाकर शब्द का अदर अर्थ बदल देते हैं, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रीफिक्स। और जैसे अन एक सामान्य उपसर्ग है, इसका आप इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे तो कई शब्द बन जाते हैं, तो उसका अर्थ बदल जाता है। फिर उल्लंघन। उल्लंघन का अर्थ होता है नियम तोड़ना, नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यानी हमें नियम नहीं तोड़ने चाहिए, का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ऊर्जा। ऊर्जा का अर्थ है शक्ति, सौर ऊर्जा का उपयोग अब बढ़ रहा है। ओजस्वी। ओजस्वी का अर्थ होता है शक्तिशाली, उसका भाषण बहुत शक्तिशाली था, यानी ओजस्वी था, तेज था। औसत। औसत यानी कि बीच की संख्या, मीन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, और माध्य, उसका प्रदर्शन औसत से ऊपर है ना, एवरेज जिसे बोलते हैं, एवरेज से ज्यादा है। कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता, काम करने की क्षमता, कैपेबिलिटी, हमें अपनी कार्य क्षमता बढ़ानी चाहिए ताकि हम फिर कोई काम अगर आए तो हमें उस काम को करने में परेशानी ना हो, धीरे धीरे हमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, स्किल अपने बढ़ाते रहना चाहिए। अगला है ख्याति। प्रसिद्धि, यश या शोहरत। उन्होंने संगीत में ख्याति अर्जित की, यानी उन्होंने संगीत में प्रसिद्धि, यश या शोहरत प्राप्त किया, अर्जित किया। क्षणिक। क्षणिक का अर्थ होता है क्षण भर स्थिर रहने वाला, क्षण भंगुर, अस्थाई। उसका गुस्सा क्षणिक था, यानी उसका गुस्सा क्षण भर के लिए था। और चिंतन। चिंतन का अर्थ है विचार, हमें अपने भविष्य के बारे में चिंतन करना चाहिए, अगर चिंतन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य अंधकार में पड़ सकता है। त्रुटि। त्रुटि का अर्थ होता है भूल, चूक, और इसका वाक्य है रिपोर्ट में त्रुटि मिली है, और इंग्लिश में हम बोलते हैं एरर, ER, ERR, त्रुटि यानी गलती, मिस्टेक।
दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का अर्थ होता है देखने सोचने समझने का पहलू। इस मुद्दे पर मेरा दृष्टिकोण अलग है, मतलब इस टॉपिक पर मेरा देखने या सोचने समझने का जो है नजरिया वो अलग है, दृष्टिकोण देखने सोचने समझने का पहलू। दुर्गम दुर्गम का अर्थ होता है जहां पहुंचना कठिन हो। यह जगह बहुत दुर्गम है तो यहाँ पर पहुंचना बहुत कठिन है। प्रत्याशा, प्रत्याशा का अर्थ है आशा उम्मीद या भरोसा, उसकी प्रत्याशा से अधिक, उसकी प्रत्याशा से अधिक सफलता मिली, या उसकी की जगह यहाँ पे कर देते हैं उसका, उसको प्रत्याशा से अधिक सफलता मिली यानी उसको उम्मीद से अधिक सफलता मिली। प्रक्रिया, प्रक्रिया का अर्थ होता है विधि यानी प्रोसेस। यह एक जटिल प्रक्रिया है, एक बहुत मुश्किल विधि है। और नेक्स्ट है अगला है प्रेरणा। प्रेरणा का अर्थ होता है मन में उत्पन्न भाव विचार, जैसे उसकी कहानी से हमें प्रेरणा दी, उसकी कहानी ने हमें प्रेरणा दी, मैंने ने उसकी कहानी से हमें प्रेरणा मिली भी बोल सकते हैं, यानी उसकी कहानी से हम इंस्पायर हुए, हमारे मन में ऐसे विचार है कि हम भी उस जैसा काम करें और भविष्य में अच्छा करें और फिर आगे तरक्की की राह पर चले। प्रबंधन, प्रबंधन का अर्थ होता है व्यवस्था करना। इस कार्यक्रम का प्रबंधन उत्कृष्ट था। उत्कृष्ट का अर्थ है सर्वोच्च या उच्च क्वालिटी, जैसे बोलते हैं सर्वोच्च नहीं हाई क्वालिटी। और प्रबंधन व्यवस्था करना, इसका मतलब इस कार्य जो ये कार्यक्रम हुआ, प्रोग्राम हुआ, तो उसका जो व्यवस्था की गई वो उत्कृष्ट था यानी बहुत सर्वोच्च स्तर पर था। साक्षात्कार, साक्षात्कार का अर्थ होता है सामने आना। उसे नौकरी के लिए साक्षात्कार देना होगा यानी उसको सामने आना होगा तभी जॉब मिलेगी, इंटरव्यू देना होगा। साध्य, साध्य का अर्थ है जो किया जा सके। सॉरी ये लक्ष्य पूरी तरह से साध्य है, भाई इस गोल को हम अचीव कर लेंगे, लक्ष्य यानी गोल, क्योंकि ये साध्य है जो से हम किया जा सकता है, जो किया जा सके। समुचित, समुचित का अर्थ होता है ठीक या उचित। यह है एक समुचित उपाय है यानी कि यह एक ठीक उपाय है ना, उचित उपाय है। संपर्क, संपर्क का अर्थ है मेल या संयोग। आपातकालीन स्थिति में संपर्क करना अनिवार्य है, अनिवार्य मतलब जो मैंडेटरी है, संपर्क मेल करना, क्योंकि भाई आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी में भाई सबको सबके साथ संपर्क करना जरूरी है। सार्थकता, इसका अर्थ होता है महत्व, इस विषय की सार्थकता पर चर्चा करें यानी इस विषय के महत्व पर, इसकी इंपॉर्टेंस पर डिस्कस करें, चर्चा यानी डिस्कस, विषय यानी सब्जेक्ट को। स्वाभिमान, स्वाभिमान का अर्थ होता है आत्मसम्मान या आत्मगौरव, और बिना इसके तो जीना बेकार होता है, स्वाभिमान से जीना महत्वपूर्ण है। स्मरण का अर्थ है याद, स्मरण, सॉरी स्मरण है ये, स्मरण, स्मरण का अर्थ होता है याद या स्मृति, मेमोरी जिसे कहते हैं। कई लोग होते हैं ना जिनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, तो उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी यानी उसकी मेमोरी जो है वो, यानी वो याद कर लेता है बहुत अच्छे से और फिर वो कभी भूलता नहीं है, उसकी स्मृति बहुत अच्छी है, उसकी शक्ति। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला, और सब कुछ तो ईश्वर ही जानते हैं, तो भगवान या ईश्वर सर्वज्ञ होते हैं क्योंकि उन्हें सब पता है। सार्थक, सार्थक का अर्थ होता है अर्थपूर्ण, उसका या यहाँ पर इसको डाल देते हैं, उसका ही गलत हो गया, त्रुटि है इसमें, उसकी बात बहुत सार्थक थी यानी उसकी बात बहुत अर्थपूर्ण थी यानी उसकी बात बहुत लॉजिकल थी। और अब आते हैं सपोषण, सपोषण का अर्थ होता है पालन पोषण। देखो बच्चों को, बच्चों का सपोषण महत्वपूर्ण है यानी उनका पालन पोषण काफी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो फिर बाद में बड़े हो गए बहुत तंग गिरते हैं अगर ठीक से पालन पोषण ना किया हो, सपोषण ना किया गया। संकल्प, संकल्प का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय, निश्चय निश्चय यानी पक्का इरादा। उसने नए साल के लिए संकल्प लिया कि वो अब कभी शराब नहीं पिएगा, ऐसा कोई संकल्प। सजग, सजग यानी सतर्क, हमें सजग रहना चाहिए, हमें हमेशा जब हम सड़क पार करें तो सतर्कता का ध्यान रखना चाहिए, सजग रहना चाहिए ताकि दुर्घटना ना घटे।
समर्पण, समर्पण का अर्थ होता है अर्पित करना, उसका समर्पण अनुकरणीय है। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ समर्पण पे, क्योंकि हमारा शब्द यही है समर्पण। अनुकरणीय भी एक शब्द है, इसका अर्थ होता है जिसका आप अनुकरण कर सकें, यानी इसको आप फॉलो करें। अनुकरणीय, जैसे हम गांधी जी का अनुकरणीय कर सकते हैं, उनके प्रदाय के रास्ते पे चलना, उनका अनुकरण करना होता है। तो यहाँ पर समर्पण यानी अर्पित करना, उसका समर्पण यानी अपने आप को, उसने अपना अपने आप को जैसे पूरा कोई लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना समर्पण दिया, अर्पित किया अपने आप को, तो उसका समर्पण अनुकरणीय है, जैसे गांधी जी ने किया था, तो उनका हमें अनुकरण करना चाहिए क्योंकि उनका समर्पण था देश के प्रति। स्वीकृति, स्वीकृति, स्वीकृति यानी स्वीकार या मंजूरी, है ना, उसकी स्वीकृति की प्रतीक्षा है। भाई जब तक वो हाँ नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, उनकी मंजूरी नहीं होगी, तो फिर काम आगे कैसे बढ़ेगा, तो उसका हमें इंतजार है, स्वीकृति है। और इसके बाद है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा का अर्थ होता है ईमानदारी। सत्यनिष्ठा से काम करना आवश्यक है, चाहे कहीं पे भी काम करो तो ईमानदारी से काम करना चाहिए। और इसके बाद है सहज। सहज का अर्थ होता है सरल, इजी। और यह कार्य सहज है ना। ये 40 वर्ड आपको आज मैंने 40 शब्द हिंदी के सिखाए, तो ये काफी सरल थे इन्हें सीखना। तो ये कार्य सहज है, सरल है, इजी है, आप आसानी से सीख पाएंगे अगर बार बार अभ्यास करेंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे तो जरूर आएगा आपको। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अगर आप ऐसे हिंदी के कठिन शब्द और पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हिंदी का ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।